नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं पूजा सोनी, स्किल गति में आपका स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और इस योजना का लाभ किन किसान साथियों को मिलेगा, और साथ ही बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में प्रति वर्ष कितना मिलता है राशि और इस योजना के लिए कुछ जरूरी कागजात के बारे में, और अंत में बात करेंगे इसमें आवेदन कैसे करें। तो ये सब बातें मैं वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें YouTube पे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य देश के लघु और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद करना है। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा। आपको बता दें, पहले इस योजना का लाभ केवल 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को दिया जाता था, लेकिन अब सभी किसान इस योजना के पात्र हैं। और तो और, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को भारत का निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने वाले किसान के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में प्रति वर्ष कितने मिलते हैं राशि। आपको बता दें, इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि 3 समान किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। प्रत्येक किस्त 2,000 रुपए की होती है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाता है। अब बात करते हैं इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसान का आधार कार्ड अनिवार्य है और किसान के नाम पे एक बैंक खाता होना चाहिए। बैंक पासबुक या चेक बुक के पहले पन्ने की फोटो कॉपी प्रस्तुति करनी होगी, और साथ ही किसान को अपने सक्रिय मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा जिससे इस योजना से संबंधित जानकारी और अपडेट प्राप्त किया जा सके। किसान के पास मान्य फोटो, पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस आदि होना चाहिए, और भूमि का रिकॉर्ड या खसरा खतौनी की कॉपी आवश्यक है जो ये साबित करता है कि आवेदक के पास जमीन है। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद होम पेज पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर दर्ज करें और गेट डाटा बटन पर क्लिक करें। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर और उसे सत्यापित करें। निजी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग आदि भरें। बैंक खाता विवरण दर्ज करें जिसमें योजना का लाभ प्राप्त होगा। भूमि का विवरण जैसे खसरा नंबर, खेत का आकार इत्यादि भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि। दी गई जानकारी की पुष्टि करें और घोषणा चेक बॉक्स पर सहमति दें। उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करके फॉर्म जमा करें। इस तरीके से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है। अगर कोई अन्य प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।